तो गाइस ये दीदी और मम्मी कहीं जा रहे हैं उपला लेकर के। कहीं आ रहे हो? रसम करने के लिए जा रहे हैं। नाम पता नहीं, हमें मम्मी ने बताया ये ना, मतलब ये रसम करनी है आपको, वहाँ पर रख के आओ, ये वहाँ पर रख कर आएंगे, फिर वो लोग आएंगे इसको मतलब उठा कर लेके जाएंगे, है ना। कौन लोग आएंगे और कहाँ पे रख आएंगे? घर वाले, सारे वाले, बस यही जाके दूर में जाना है, इधर ही रखना, नहीं इधर रखना आगे थोड़ा सा, यहाँ पे लेके। कितनी देर बाद? अच्छा खेल हो रही है कोई सा? नहीं, रसम होती है कुछ, ये रसम मतलब पता नहीं था नाम। अच्छा मतलब रसम होती है, इनको पता नहीं, बस कर रहे हैं ये। नहीं, पता नहीं हमारी जो ये पता चलता जाएगा, लेकिन ये है कि मतलब हम लोग अभी थोड़े से और मतलब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगी। बूढ़े बुजुर्ग नहीं हुए वो अभी, बड़े दिख रहे। तो गाइस वाली जो रसम है ना, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, वो ये है, यहाँ से थोड़ी शुरुआत होती है, ये चूल्हा है, चूल्हा वगैरह रखा जाता है और इस तरीके से ये बनाया जाता है। और अभी ना बीच में मतलब वो कुछ करेंगे तो कहते हैं सकोरी जो होती है, बंद कर दी जाती है, पता नहीं क्या। हाँ हाँ हाँ, अच्छा देख लो, हर किसी की गलती निकाला है, हर किसी की। गा गाना गा गा गाना गाओ दीदी, दीदी गाना गाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ।
तो गाइस अभी डिनर का टाइम हो चुका है और डिनर हमने सारा सेट कर दिया सबके लिए। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें, मतलब मुंह में पानी आ रहा है। इसमें है ये चने की सब्जी और ये मिक्स वेज, ये पनीर की सब्जी, पुलाव और ये मेरी फेवरेट चीज रायता बूंदी का, और ये कुछ सैलेड है और ये कुछ डिस्पोजल्स हैं। अभी जो है ना सीन ऐसा है कि अंदर थोड़े गाने चल रहे हैं, देन उसके बाद जो है ना सब लोग डिनर करेंगे, तो तुम्हें दिखाते हैं। तो गाइस लेडीज आ गई है डिनर के लिए,